अरे बैठा ले इसको। सर वेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक। सर वेट, सर वेट जा रहा है नीचे सुनील तो नीचे बैठ ना भाई। मनोज जी जय हो तो और पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। अब बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और जिस तरह के समाज में हम लोग जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि मजहब ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या मजहब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक टकराव की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पर मजहब सारी चीज़ों के बीच में आके खड़ा हो गया है, वो कोई भी मजहब हो। और इस पे इतने सुलगते हुए प्रश्न को बहस के रूप में जैगम ने पर्दे पर डाला है। आशा करता हूँ कि ये बहस आगे बढ़ेगी और इस बहस से बहस को बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस बहस का कुछ तो नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही निकले, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। मैं ये इसी तरह की फिल्में करता हूँ। ये एक अलग कहानी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट एक मैं नहीं हूँ इसमें, मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखिए अच्छी फिल्मों का बड़ा अच्छा दौर इस मामले में है। इसको बनाने वालों की कमी नहीं है, इसमें काम करने वालों की कमी नहीं है और इसको आगे बढ़ाने वालों प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। तो एक अच्छे दौर में हम लोग रह रहे हैं। चाहे छोटा रिलीज ही सही, आजकल फिल्में रिलीज हो जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि आक्रोश देखने के लिए या हम एक शो में आक्रोश लगी थी दिल्ली के एक ऐसे सिनेमा हॉल में जो हमारी यूनिवर्सिटी से कम नहीं भी तो 30 किलोमीटर दूर था। तो चार बस को बदल के थे हम सुबह सुबह के शो में पहुंचे थे 9 बजे का शो देखने के लिए आक्रोश। तो वो समय और आज का समय देखिए, उस तरह की सिनेमा को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और कितने सारे लोग, आप जैसे लोग इकट्ठा होकर के ऐसे फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, उसको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जो फिल्म अच्छी होती है उसके लिए आप लोग लड़ाई भी करते हैं, लोग लड़ाई करते हैं। और जहाँ तक और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जितने अवार्ड फंक्शंस है उन पर आप ही लोग प्रश्न उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आप लोगों का साबका, आप लोगों की
रुचि या आप लोगों के सामने से जो अच्छा काम हो रहा है वो ऐसे ही नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे काम या इस आलिफ जैसी फिल्मों के लिए जो जगह बनी है वो लगातार ये आंदोलन चलता रहे, ये जो एक कतार खड़ी हुई है वो कभी कम ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे मीडिया कर्मी जो हैं उनका सहयोग लगातार बना रहे, और जैगम और movies.com और शीला जैसे लोग लगातार इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक्टरों की कमी नहीं है। एक्टर अच्छा काम करना चाहता है, उसे अच्छा काम देने वालों की नीयत की बात है। यहाँ पे नीलिमा जी कई सालों से काम कर रही है, सभी जानते हैं इनके बारे में, भावना है, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं और हम सबको काम मिल रहा है, तो आप लोगों का सहयोग लगातार बना रहेगा अच्छी फिल्मों की तरफ, हम यही चाहते हैं। जो बात पहले छुपी रह जाती थी अब वो छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया पे लगातार हंगामा होता रहता है, सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं वो सवाल उठाते हैं, और जिसके कारण मीडिया जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है मीडिया, उन सवालों को फिर वो अनदेखा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए वो भी बहुत ही अहम है। तो आप लोग भी उन सवालों को आगे बढ़ाते हो, इससे अच्छे काम होंगे, इससे आप एक जो हमारे हिंदुस्तान में कई सालों से एक संस्कृति बनी हुई है कि हम अच्छे काम को नज़रअंदाज कर देते थे, अब आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत लोग हो गए हैं। जो लोग नज़रअंदाज करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाले आप लोग हैं, जनता है, जो सोशल मीडिया के जरिए हमला करती है, इसलिए हम लोग अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। भैया मैं शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, इंटरनेशनल सिनेमा तो नहीं किया लेकिन इंटरनेशनल थिएटर बहुत किया है। मेरा एक शो ब्रॉडवे म्यूजिकल टाइप है भारती, वहाँ पर बहुत काम किया है, तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं, यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एट पार विद एवरीथिंग एल्स। जी हाँ, मेरी प्रकाश झा जी की फिल्म ब्रॉड से यहाँ ऑपोजिट अरशद वारसी शुड बी रिलीजिंग इन 2017। ओके, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने सुनाया है, जब हम इस तरह का ट्रेलर इज रियली अमेजिंग, नॉट ओनली मी ईच एंड एवरीवन सिटिंग इन द प्रमाइसेस एग्री विद दिस। ये सेंसिटिव मुद्दा चुनने की कोई खास वजह, जब हम पैगाम की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी एक हर फिल्म एक मैसेज कैरी करती है, इससे पहले जो दुर्गा गाई थी वो, और इसके बाद आप लेके आ रहे हैं, और मैं जब मुस्लिम समाज की बात करता हूँ तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ा मुख्तलि सबका एक नज़रिया रहता है कि आप मदरसे जाइए तो बेहतर है, या दुनिया भी एतबार से आप पढ़ें, तो क्या क्या मैसेज क्या होगा फिल्म के अंदर, अगर मैं मैसेज की बात करूँ, और इतना सेंसिटिव जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मौलवी मौलानाओं की तरफ से आ जाएँ या राजनेताओं की तरफ से आ जाएँ, यू नेवर नो। देखिए, इस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अभी रिलीज से पहले कई सारी जगहों पर गए थे, अभी हम JNU में भी जाने वाले हैं। मैंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की और बड़ा ज़बरदस्त अनुभव रहा, और ये वजह यही थी कि एक बार समझ में आया कि क्या सामने वाले कहते हैं। आपका जो सवाल था, हालांकि उसका जवाब मुझे बहुत एक लाइन का ही लगता है, जो आपने कहा कि सेंसिटिव, क्योंकि सिनेमा को मुझे ऐसा व्यक्ति, जिसमें मैंने पहला भी कहा कि जरूर हर बात में ज़िंदगी में मनोरंजन नहीं होता, सिनेमा बहुत सेंसिटिव बात है। मैं ईरानियन फिल्मों का फैन, मतलब बहुत प्रशंसक हूँ, देखता हूँ ज़्यादा माजिद बजी जी साहब और सत्यजीत रे जी को मैंने बहुत फॉलो किया है, बहुत उनका सिनेमा देखा और समझा, तो सिनेमा के जरिए बातें, जो खूबसूरत कहानियाँ कही जा सकती हैं वो सेंसिटिव भी हो सकती हैं, ताकि वो एक असर छोड़े एक समाज के ऊपर, अपनी बात कहें, तो ये उसी तरह का सिनेमा है। और जो आपने कहा ना मैसेज क्या हो,
मैसेज तो मैंने वही कहा कि ये सिनेमा जो है एक मोटिवेशन है कि आपको लगता है जिंदगी में, और मैंने अलीगढ़ में मुझसे जब सवाल पूछा गया इस तरह का, बहुत हार्श था माहौल वहां का, बड़ा कुछ लोग नाराज भी थे उसमें से, कुछ लोग थोड़े से उनको लगा कि प्रोग्रेसिव भी थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, वहां पे होता है ये है कि उन्होंने एक मदरसे से स्कूल की तरफ का कोर्स भी शुरू किया है कि जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनको स्कूल में कैसे डाला जाए या वो मुख्य धारा के एजुकेशन से कैसे जुड़े, उसका इस बाकायदे कोर्स शुरू किया। तो वहां पे इस तरह की बातें थी, तो लोगों को थोड़ा लगता है। वहां एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है इसी में आपका जवाब भी शामिल है। मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में हूँ। मैंने कहा ये अलीगढ़ शहर है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पास अभी चार अटेम्प्ट है, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, अलीगढ़ के डीएम बन जाओ, अलीगढ़ के एसपी बन जाओ, बात खत्म हो जाएगी, कौन तुमको परेशान करेगा, आप कुछ नहीं है। इसलिए आपको अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, कोई थोड़ी इस तरह हैरेस कर पाएगा अगर आपको ऐसा लगता है। तो ये एजुकेशन वाली बात है, जिंदगी आपकी अगर बदल सकती है एजुकेशन से, यही मुद्दा हमने फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश। With all due respect, you know, all the people who are part of this Alif project of yours, Starcast किस बिना पे zero down करी आपने, और क्या आपको कहीं नहीं लगता है, I'm repeating myself, with all due respect to Nirmal ji, to Bhavna, Pani, each and everyone, Starcast जो बहुत ज़्यादा commercial success रहती या बहुत कामयाब रहती, उनको अगर हिस्सा बनाते तो कुछ ज़्यादा visibility नहीं मिलती। नहीं, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ जिंदगी में क्या होता है, खासतौर पर सिनेमा, खासतौर पर कहानियाँ ये जो होती है ना, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और सिनेमा वही बन पाता है जो मैंने मुंबई में रह के देखा है, जिसके लिए लोग भी सामने से आपको सपोर्ट करते हैं, लोग भी आपसे कहते हैं। देखिए मैं नया डायरेक्टर हूं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई इस बात को कहने में इतराज नहीं कि मैं अभी क्या, मैं आप अगर लाइनअप करा दें तो आपके शायद कनेक्शन हो। अब मैं शाहरुख खान को फोन करूं, मैं बना रहा हूं फिल्म, आप कीजिएगा, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये वही वाली बात है। लेकिन जो सामने से विलिंग है करने के लिए, जिसका एक व्यक्तित्व है, जो अच्छा काम जिसने किया है, उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। ये टीम वैसी थी, मुझसे ज्यादा विलिंग सामने वाले थे कि नहीं आपकी कहानी अच्छी है, हम आपकी कहानी का हिस्सा बने। तो ये एक उनके लिए, मतलब मुझे लगता है उनके, उन्होंने मुझे इज्जत दी इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, ये मैं हमेशा मानता हूँ। क्योंकि उनके लिए, उनके सामने भी मैं नया हूँ। जैसे इन्होंने भी सवाल पूछा कि भावना जी जिस तरह से काम करते, नीलमा जी का काम दुनिया से छुपा नहीं, उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसे इस फिल्म में बहुत बड़ा किरदार, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया उसने, जो कि अब तक छुपा था। जब फिल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि उस कहानी में हमने थोड़ा सा भी अंडर प्ले किया है पब्लिसिटी में, लेकिन जब निकल के चीजें आएंगी तो लगेगा कि किसकी फिल्म है, कैसी। ये वो वाली बात है, उन्होंने इज्जत दी मुझे, और धीरे धीरे सिनेमा बनता है, धीरे धीरे ग्रो होगा, तो फिर आगे भी अच्छी चीजें बनेंगी। जी नीलिमा जी, आपसे मेरा सॉरी, कि नहीं रिपीट कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या ऐसा खास लगा आपने, आप इस फिल्म का हिस्सा बनी हो, कोई ऐसी खास बात जिसके लिए आपने कहा कि यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अलीगढ़? देखिए सबसे पहले तो ये एक एक्टर के पास जब एक डायरेक्टर आता है या राइटर उसके साथ होता है, तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है और उसका नजरिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है सिनेमा का। और कहानी जो है उसका मुद्दा बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खूबसूरती से लिखा है सर, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि सर हमने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, और ये मुद्दा जो है ये वाकई पॉलिटिकली सोशली बहुत सेंसिटिव है, उसको इतना बखूबी इन्होंने लिखा और इतनी ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ, इतनी मोहब्बत से इन्होंने इतनी मुश्किलात फेस करते हुए इन्होंने अपने किरदार जो है उनको जागृत किया और अपनी बात कही। अली छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है और उसके इर्द गिर्द जो उसके ख़ानदान के लोग हैं और जो वो फेस करता है सिर्फ इल्म पाने के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ तक ये फिल्म पहुँचे इंशाल्लाह, और वो लोग समझें कि टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बात यह है कि हम अपने दिमागों को किस तरह से रोशन करें और प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी थी, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा माहौल है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एडुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो वी शुड अपलॉड ज़ैगम फॉर टेकिंग द हैविंग द करेज एंड टेकिंग इट अपॉन हिमसेल्फ to take forward
the fact that every child in this country should be educated. Thank you so much. जी उसके लिए हमने मैं दिल्ली में ऑडिशन कर रहा था मैं काफ़ी और दिल्ली लखनऊ बनारस में मुझे शूटिंग करने की वहाँ भी हम दो तीन महीने से लगे हुए थे कि कुछ अच्छा मिल जाए उस फ्लुएंसी के साथ जिसकी बात अच्छी हो थोड़ा दिखने में वैसा हो जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सकें ठीक यही सबसे बड़ी मुहिम थी हमारी बच्चे को ढूंढने में फिर सडनली मेरे दोस्त हैं कास्टिंग डायरेक्टर उनका फ़ोन आया कि ये एक लड़का है दिखते हैं कैसे उसके साथ करना है तो फिर मैं उससे मिला सऊद है मोहम्मद सऊद ये हैं उन्होंने काम किया है काफ़ी वैसे टीवी में तो मैंने उनका काम मैंने देखा नहीं तो फिर जब मैं इनसे मिला तो फिर इनको ट्रेन करने में तो खैर बड़ी बड़ा मज़ा आया और हमने कई सारी वर्कशॉप की लगा था और इनको बनारस में हमने काफ़ी कैसे वहाँ के बच्चे चलते हैं कैसे करते हैं मदरसे के बच्चे हैं और ये अच्छी चीज़ थी कि ये मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि मैनरिज्म क्या होता है कैसे चलते हैं क्या करते हैं तो ये प्रोसेस था जो हमने कई शहरों की और फाइनली लेकिन हम तलाश हमारी मुंबई में जी मेरा सवाल नीमा जी से है जी मैम अली मूवी के जरिए आपने दोबारा से इंडस्ट्री में कमबैक किया है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बस आप लोगों का साथ चाहिए मोहब्बत चाहिए और दिल में बस एक ही ख्याल है कि आप लोग फिर इश्क करें मुझसे और जैहम ने मुझे ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैहम बहुत ही प्यारा किरदार मिला और मैंने कोशिश की है जी थैंक यू आने वाले वक्त में आपको ये सब सामना करना पड़ सकता है जैसे आपने कहा कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में फिल्म को दिखाया और वहाँ पे प्रतिक्रिया दी आने वाले वक्त में क्योंकि मदरसे की बात कर रहे हैं मदरसे की तालीम की बात कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई मौलाना या मौलवी उड़ के आप पे फतवा जारी कर दे क्या ऐसा कुछ प्लान किया है कि उन्हें भी फिल्म दिखाई जाए मदरसे क्योंकि मेरी जमीनी तैयारी ज्यादा थी इस फिल्म को लेके जमीनी तैयारी बहुत ज्यादा थी तो मैंने कई जगहों पे दिखाया है बच्चों को भी मदरसे के बच्चों को भी दिखाया है देखिए बात होती है क्या मसला क्या होता है मसला ये होता है कि दो चीजें होती हैं कि आप किस चश्मे से किस चीज को देखते हैं एक चीज होती है नेगेटिविटी से देखना है एक चीज होती है पॉजिटिविटी से देखना है तो इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा चीज इसका चश्मा बड़ा पॉजिटिव है ये बहुत ही पॉजिटिव चीजों को दिखाने की कोशिश है तो इसलिए बड़ा मुश्किल है एतराज करना किसी का तो मुझे लगता नहीं इस तरह की कोई बात निकल के सामने नीलिमा जी माफी चाहूंगा आपको उठना पड़ेगा मेरा आपसे सवाल जैसे आपने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लिहाज से अलिफ के जरिए हम एजुकेशन की क्या अहमियत है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं खास करके हिंदुस्तान के पिछड़े इलाकों में दूर दराज के गांव शाहिद खुद भी एक फादर बन गए हैं उनके भी घर में एक बच्चा है तो क्या आने वाले वक्त में हम शाहिद को अलिफ प्रमोट करते हुए देखेंगे क्योंकि एजुकेशन की बात है इज ऑलवेज देयर फॉर अ कॉज दिस इज गुड हाउ कैन आई गिव अ रिप्लाई टू दैट ऑफ कोर्स यू आर द वन हु कैन गिव अलिफ हम यहां हैं फिर भी सर अरे अपूर्वा अपूर्वा क्या अपूर्वा ये आप खड़े हो आप खड़े हो लगा के दादा बात आगे झोप रे को इधर ऊपर बड़ा इधर सामने बाकी को Obviously. Thank you. Govind, light chalu karna.
Oh,